लॉक कैरी करो, हाँ जी, और आराम से सो जाओ। क्या रात को कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं हो जाती है? तो यस, इन सारी चीजों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। Let's get into it. Now, what travel hostel looks like? तो अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हॉस्टल लाइफ जी है तो आपको पता ही है, बंक बेड्स होते हैं जिसमें कि एक रूम में 6 से 8 लोग रहते हैं और फिर वहां पर वो रूम शेयर करते हैं, कॉमन वॉशरूम होता है, एक कॉमन एरिया होता है, कॉमन मेस होता है जहां पर सारे बैठ के खाना खाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ट्रैवल की इंडस्ट्री में भी ये कंसेप्ट है। पर अब जो कि हॉस्टल इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा बूम किया है तो बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो 200 रुपए से लेके 1000 रुपए पर नाइट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आई थिंक इट्स ग्रेट। आपको जहां पर होटल में 3 से 4 हजार रुपए पर नाइट खर्चने होते हैं, वहीं हॉस्टल में आप 200 से 1000 रुपए के बीच, ये तो मैं आपको एक एक्सटेंसिव अमाउंट बता रही हूँ, 1000 रुपए पर आपको 200, 300, 400, 500 रुपए तक आपको पर नाइट बहुत ही अच्छे स्टे मिल जाते हैं अच्छे हॉस्टल में। तो यप, सबसे पहले ये बता दूं कि हॉस्टल आपको बुक कहां से करना है। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड hostelworld.com जहां पर आपको एक ही जगह में सारे हॉस्टल के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यस, हॉस्टल में होती है डोमेट्री। आजकल बहुत सारे हॉस्टल्स में जो है प्राइवेट रूम भी होते हैं, पर हॉस्टल में जाके आप प्राइवेट रूम में रहोगे क्या मतलब है? आई मीन, फिर आप हॉस्टल बुक ही क्यों कर रहे हो? पर हाँ, स्टिल अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो और आप अपने लव वंस के साथ हो, लाइक हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए तो आप वो प्राइवेट रूम भी बुक कर सकते हो। पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉपर हॉस्टल कल्चर के बारे में। सेकेंड पॉइंट कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो व्हाइल यू आर बुकिंग द हॉस्टल आपको वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक डोरमेट्री 8, 10, मिक्स डोरमेट्री, ओनली फीमेल डोरमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी डोरमेट्री होती है जिसमें कि 18, 12, 14 ट्रैवलर एक साथ रुकते हैं, बंक बेड होते हैं सबके, एक प्राइवेट लॉकर्स होते हैं, एक वॉशरूम होता है जहां पर आप उस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। अब इसमें पॉइंट ही आता है कि इतने सारे लोग एक वॉशरूम यूज करते हैं तो टाइम काफी लगता है। यस, तो इस डोमेट्री का रेट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 6 बंक बेड वाली डोमेट्री का रेट अगर 450 रुपए है तो 12 बंक बेड वाली डोमेट्री का रेट होगा 200-250 रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको कम खर्चना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। देन वी कम टू कि मिक्स डोमेट्री और फीमेल, ओनली फीमेल डोमेट्री। तो मिक्स में क्या होता है, गर्ल्स बॉयज सारे रुकते हैं। अब इसमें लड़कियों के यूजुअली ये सवाल होते हैं मुझसे कि हमारी मिक्स वाली जो डोमेट्री होती है उसमें क्या प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो गाइज, एवरीवन दे स्टेइंग देयर, जितने लोग भी वहां पर स्टे कर रहे हैं वो सबके सब ट्रैवलर है, वो सब घूमने आए हैं और सबके पास अपना अपना एजेंडा होता है पूरे दिन का, सब अपने दिन भर अपने घूमने निकल जाते हैं, देन वापस आते हैं सारे थके हुए, इतने रहते हैं कि कॉमन एरिया में बैठ के लोग बातें बातें कर लेते हैं, बाकी हाय आई एम फ्रॉम हियर, हाय आई एम फ्रॉम देयर, इस तरीके की बातें होती है, बट वो ट्रैवल रिलेटेड टॉक होती है। और डेफिनेटली आपको मजा आएगा जब आप ऐसे डोमेट्री में रुकते हो। तो मैं ये नहीं कहती, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप सोलो गर्ल ट्रैवलर हो, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी जब भी हॉस्टल में रुकती हूँ मैं हमेशा फीमेल डोरमेट्री में रुकती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे मिल भी जाता है, और अगर अवेलेबल नहीं हुआ था एक बार तो मैं रुकी थी जयपुर में, आई स्टिल रिमेंबर, इन अ मिक्स डोरमेट्री जहां पर 2 बंदे थे और बाकी सारी लड़कियां थी, तो उसमें भी विन विन था। और अगर मिक्स डोरमेट्री में कुछ खुदा ना खास्ता कभी कुछ प्रॉब्लम हो भी गई तो इतने सारे लोग हैं यार आपके साथ, आप अपनी आवाज रेज करो, आप बात करो, सबको बताओ कि ये बंदा या बंदी जो भी है आपको परेशान कर रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, वहां पर कैमरा होते हैं हर डोमेट्री में और उसकी वजह से आपका सामान बहुत सेफ होता है, पर आप कैमरा के भरोसे तो अपना सामान छोड़ते नहीं है। दैट ब्रिंग्स मी टू थर्ड पॉइंट, आप अपना सामान किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। तो आपको अपना सामान रखने के लिए वहां पर एक लॉकर मिलता है, अब उस लॉकर के अंदर आप अपना सामान रख दो, दिन भर घूमने चले जाओ। नंबर 4, कॉमन किचन, कॉमन एरिया, लाइब्रेरी एंड थिंग्स लाइक ग्रुप एक्टिविटीज, ये होता है हॉस्टल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट। बोर्ड में बाहर लिख देते हैं कि कल के लिए ट्रैक पे लेके जाने वाले हैं, तो यू इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, वो सारे हॉस्टल में जितने लोग भी स्टे कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें एक ग्रुप लीडर होता है उसमें से, वो आपको लेकर जाते हैं आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज ग्रेट, एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। सेकेंड थिंग कि वहां पर फ्री ब्रेकफास्ट भी होता है कई बार कुछ हॉस्टल्स में, आपको ऑप्शन जब आप बुक करोगे वहां पर आता है, तो आप फ्री ब्रेकफास्ट के लिए भी उसमें क्लिक कर सकते हैं, सो दैट कुछ अमाउंट 50-100 रुपए एड हो जाता है और आपको सुबह सुबह नाश्ता मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट। अगर नाश्ता आप वहां का नहीं खाना चाहते तो एक और ऑप्शन होता है किचन कॉमन
अपने अंडे ब्रेड मैगी वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक आप अपना सामान लाओ बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. थर्ड इज कॉमन एरिया जहां पर लोग चिल करते हैं. दिन में बैठ के काम करना चाहते हो काम कर सकते हो लोगों के साथ बातें शाते कर सकते हो. तो दैट्स द थिंग विच आई लाइक अबाउट हॉस्टल. ये तो बात हो गई. अब बात करते हैं कि क्या चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन अ हॉस्टल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहली चीज जो है वो लॉक कैरी करो. हाँ जी, लॉक क्यों कैरी करो? तो अपने सामान में तो आप अलग लॉक लगाओ और आप एक लॉक जो अपने लॉकर में लगाने के लिए, क्योंकि कोई भी हॉस्टल आपको लॉक नहीं देता है, आपको हमेशा कैरी करना चाहिए. एक्स्ट्रा केयर की ऑब्वियसली जरूरत होती है, अपना सामान वामान सुरक्षित रहे तो उस लॉकर में आप लॉक लगा दो. और रात को जब आप सोते हो तो अपने फोन की देखभाल के लिए किसी को अलग से तो पैसे नहीं दोगे. तो व्हाट आई डू इज कि मैं अपने पिलो के नीचे हमेशा अपना फोन रखती हूँ, सो दैट जहां मैं सो रही हूँ आराम से मेरा फोन वहां पर मेरे साथ सो रहा है. ये बढ़िया था गुरु. आपका कैश कार्ड वट एवर यू आर कैरिंग लाइक आपके आईडी प्रूफ्स एंड ऑल दैट, वो आपको कहां रखना है? तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा एक जो पाउच वाले जो बैग होते हैं जिनको आप अपने वेस्ट पे लगा सकते हो वैसे बैग कैरी करती हूँ. तो उसको अपने पास ही रखा, अपने साथ ही लेकर सोना चाहिए. इन शॉर्ट अपने स्लिंग बैग या जो भी आपका बैग है जिसमें आपने अपना कैश वैश रखा हुआ है. थर्ड थिंग, ऑलवेज कैरी योर आई मास्क. मिक्स डोमेट्री में जब आप होते हो तो कोई सुबह लेट उठ रहा है कोई जल्दी उठ रहा है, तो उसके लिए आपके पास आई मास्क होना चाहिए जिससे कि आप अपना आई मास्क लगाओ और आराम से सो जाओ. एंड नंबर फोर, ऑलवेज कैरी योर ओन टॉवल, क्योंकि आप होटल में नहीं हो जहां पर आपको टॉवल मिलेगा. नंबर फाइव, डू कैरी योर बॉडी वॉश हेयर शैम्पू कंडीशनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अगेन यू आर नॉट स्टेइंग इन होटल यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल. सो आपको अपनी पर्सनल चीजें जो भी आप यूज करते हो वो आपको अपने साथ खुद लेकर जानी होती है. तो दीज आर द थिंग्स लाइक मेन थिंग्स विच यू हैव टू कैरी. सोलो ट्रैवल और एकदम एनर्जी है कि हाँ बस जाना है तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी अपने अपने एक्सपीरियंस से यार चीजें फिर आ जाती है धीरे धीरे. और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं. विल सी यू विद अनदर वीडियो. और अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन पर डाल देना. एंड या विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन टाटा बाय बाय.